नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पे। तो दोस्तों, अब आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के लिए। चलिए, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने हैं टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों, आपके पास YouTube पे बहुत सारी वीडियोज आपने पढ़ी होंगी कि टॉपर कैसे बने, टाइम टेबल, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपर्स जो हमारे पास रहे हैं, मैं उनका जो भी आपका रूटीन रहा है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो मैं आपके साथ लेके आऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों, टॉपर बनने के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है मेरे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप समझते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है? दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, व्हाट इज योर एम। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर में आप कितने परसेंट या कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आप टॉप करना चाहते हो। तो दोस्तों, टॉपर के बनने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना है, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिफल्स, लड़ाई झगड़े, जो भी दिमाग के अंदर कचरा है उससे दूर रहना है। अभी कचरा कहां से आएगा? कचरा आपका टेलीफोन, आपके मोबाइल, आपका टेलीविजन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में कचरा भरेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट ये करना चाहता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो अपने टाइम टेबल में सबसे जो कम है, मिनिमम टाइम आपको देना टेलीविजन को, और अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो इससे बेटर कोई है ही नहीं चीज। तो दोस्तों, पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात करता हूं, हमारे टाइम में टेलीविजन था ही नहीं, इसीलिए शायद हम लोग पढ़ पाए। मैं किसी की स्टेटमेंट सुन रहा था, शुक्र है हम उस युग में नहीं है जहां पे व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उन सब की वजह से हम शायद अपने टाइम में पढ़ पाए। तो दोस्तों, आपको इन सब चीजों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बिल्कुल मना कर देना, बट अवॉइड, मैक्सिमम अवॉइड करना है। आप नंबर थ्री आपकी चीज है, आपको रेगुलर स्टडीज करनी है। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप रेगुलर स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आप टॉपर की तरफ बढ़ते जाओगे। बस एक ध्यान रखना है कि आपको कभी भी निराश नहीं होना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स कम आ जाए तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं इसमें कैसे करूंगा। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, उससे आपको सीखना है कि मेरी किस चीज में कमी रह गई, किस चीज की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं, आपको फिर उस चीज को इंप्रूव करना है। और दोस्तों, इंप्रूवमेंट करके ही आप टॉपर्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुलरिटी के बाद प्लानिंग। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग भी करनी है जो भी चीज आप करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन साइंस पढ़ने से पहले मुझे प्लानिंग करनी है कि साइंस में मुझे आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उससे मुझे कितनी ड्यूरेशन देनी है, वो उन चीजों का बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, प्लानिंग के बिना कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। तो इसलिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपकी प्लानिंग ऑफ टाइम, प्लानिंग ऑफ सिलेबस, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, सबको पता है हार्डवर्क का तो कोई आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आपको हार्डवर्क करना है, मतलब करना है। अब हार्डवर्क का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 24 घंटे बुक अपने पास रखो, बुक लेके रखो। आपको जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम पढ़ना है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका जो ध्यान है वो उस टॉपिक पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, रोहित, वो जो है वो सिर्फ 15 मिनट्स पढ़ता है। हम लोग बड़ा उसको बोलते हैं, यार तू टॉप कैसे कर जाता है, तू पढ़ता तो है नहीं। तो उसने हमें बताया कि जब मैं 15 मिनट पढ़ता हूं तो मेरा 15 मिनट सिर्फ स्टडीज के लिए होता है और किसी चीज के लिए। तो दोस्तों, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो टाइम आप स्टडीज को डिवोट कर रहे हो वो सिर्फ आपका स्टडीज। ऐसा ना हो मैं स्टडी खोल के बैठा हूं, वहां पे सोच रहा हूं कि यार आज तो मुझे गेम खेलने जाना था, है ना, फिर मैं सोच रहा हूं किताब लेके बैठा हूं साइंस की, और सोच रहा हूं यार आज खाने में मेरे रसगुल्ले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको जो सेकंड थॉट्स है उनको अलग रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ स्टडीज, अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो स्टडीज। नंबर थ्री, आपको जो अपना टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में उन सब्जेक्ट्स को अपने ध्यान रखना है जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, मेरी एडवाइस ये है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना लो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, अब मैंने क्या देखा है, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं इंग्लिश में वीक हूं तो मेरा ध्यान सारा इंग्लिश पर रहेगा, अगर मैं साइंस में वीक हूं तो मैं साइंस में इतनी मेहनत कर लेता हूं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आपने पकड़ बनानी है, उसको और टाइम देना है ताकि आप उसमें और एक्सेल कर सको। नंबर थ्री, आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना है। अगर कोई डांटे, कुछ कहे, तो उसको एक तरह से सुनना है और एक तरह से निकाल देना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में फालतू चीजें घुस गई तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग आपके टांग लेग पुलिंग करेंगे
कि नहीं ये क्या है, तूने क्या किया, कितने मार्क्स कमाए, तू पढ़ता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें, बट आपके कैलिबर का आपको ही पता है और आपके अलावा कोई और उस चीज को नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको अपना कैलिबर के हिसाब से अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना है और फ्री माइंड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्लीज और प्लीज अगर आप प्रॉपर बनना चाहते हैं अपने मोबाइल और टीवी से दूर रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको टॉपर्स बनने के लिए और क्या क्या जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पे। तो दोस्तों अब आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के लिए। चलिए आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने हैं टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपने पढ़ी होंगी कि टॉपर कैसे बने, टाइम टेबल, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपर्स जो हमारे पास रहे हैं, मैं उनका जो भी आपका रूटीन रहा है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं आपके साथ लेके आना। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों टॉपर बनने के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है मेरे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप समझते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है। दोस्तों क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, व्हाट इज योर एम। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर में आप कितने परसेंट या कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आप टॉप करना चाहते हो। तो दोस्तों टॉपर के बनने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना है नंबर वन। नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिफल्स, लड़ाई झगड़े, जो भी दिमाग के अंदर कचरा है उससे दूर रहना है। अभी कचरा कहां से आएगा, कचरा आपका टेलीफोन, आपके मोबाइल, आपका टेलीविजन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में कचरा भरेंगी। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट ये करना चाहता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो अपने टाइम टेबल में सबसे जो कम है मिनिमम टाइम आपको देना टेलीविजन को, और अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो इससे बेटर कोई है ही नहीं चीज। तो दोस्तों पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात करता हूं, हमारे टाइम में टेलीविजन था ही नहीं इसीलिए शायद हम लोग पढ़ पाए। मैं किसी की स्टेटमेंट सुन रहा था, शुक्र है हम उस युग में नहीं है जहां पे व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उन सब की वजह से हम शायद अपने टाइम में पढ़ पाए। तो दोस्तों आपको इन सब चीजों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बिल्कुल मना कर देना, बट अवॉइड, मैक्सिमम अवॉइड करना है। आप नंबर थ्री आपकी चीज है, आपको रेगुलर स्टडीज करनी है। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप रेगुलर स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आप टॉपर की तरफ बढ़ते जाओगे। बस एक ध्यान रखना है कि आपको कभी भी निराश नहीं होना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स कम आ जाए तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं इसमें कैसे करूंगा। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, उससे आपको सीखना है कि मेरी किस चीज में कमी रह गई, किस चीज की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं, आपको फिर उस चीज को इंप्रूव करना है। और दोस्तों इंप्रूवमेंट करके ही आप टॉपर्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलरिटी के बाद प्लानिंग। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग भी करनी है जो भी चीज आप करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन साइंस पढ़ने से पहले मुझे प्लानिंग करनी है कि साइंस में मुझे आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उससे मुझे कितनी ड्यूरेशन देनी है, वो उन चीजों का बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों प्लानिंग के बिना कोई भी काम सक्सेस नहीं होता, तो इसलिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपकी प्लानिंग ऑफ टाइम, प्लानिंग ऑफ सिलेबस, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सबको पता है हार्डवर्क का तो कोई आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आपको हार्डवर्क करना है मतलब करना है। अब हार्डवर्क का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 24 घंटे बुक अपने पास रखो, बुक लेके रखो। आपको जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम पढ़ना है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका जो ध्यान है वो उस टॉपिक पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा रोहित, वो जो है वो सिर्फ 15 मिनट्स पढ़ता है। हम लोग बड़ा उसको बोलते हैं यार तू टॉप कैसे कर जाता है, तू पढ़ता तो है नहीं। तो उसने हमें बताया कि जब मैं 15 मिनट पढ़ता हूं तो मेरा 15 मिनट सिर्फ स्टडीज के लिए होता है और किसी चीज के लिए। तो दोस्तों ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो टाइम आप स्टडीज को डिवोट कर रहे हो वो सिर्फ आपका स्टडीज। ऐसा ना हो मैं स्टडी खोल के बैठा हूं वहां पे सोच रहा हूं कि यार आज तो मुझे गेम खेलने जाना था, है ना, फिर मैं सोच रहा हूँ किताब लेके बैठा हूँ साइंस की और सोच रहा हूँ यार आज खाने में मेरे रसगुल्ले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको जो सेकंड थॉट्स है उनको अलग रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ स्टडीज। अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो स्टडीज। नंबर थ्री आपको जो अपना टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में उन सब्जेक्ट्स को अपने ध्यान रखना है जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं।
दोस्तों मेरी एडवाइस ये है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको और स्ट्रॉन्ग बना लो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, अब मैंने क्या देखा है, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं इंग्लिश में वीक हूं तो मेरा ध्यान सारा इंग्लिश पर रहेगा, अगर मैं साइंस में वीक हूं तो मैं साइंस में इतनी मेहनत कर लेता हूं जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आपने पकड़ बनानी है, उसको और टाइम देना है ताकि आप उसमें और एक्सेल कर सको। नंबर थ्री, आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना है, अगर कोई डांटे कुछ कहे तो उसको एक तरह से सुनना है और एक तरह से निकाल देना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में फालतू चीजें घुस गई तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग आपके टांग लेग पुलिंग करेंगे कि नहीं ये क्या है, तूने क्या किया, कितने मार्क्स कमाए, तू पढ़ता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें, बट आपके कैलिबर का आपको ही पता है और आपके अलावा कोई और उस चीज को नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको अपना कैलिबर के हिसाब से अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना है और फ्री माइंड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्लीज और प्लीज अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं अपने मोबाइल और टीवी से दूर रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको टॉपर्स बनने के लिए और क्या क्या जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।